वरदा कल से इंतजार कर रही है, नादिन नहीं आया। बात दरअसल इतनी है बहन कि मुझे मुनासिब नहीं लगा कि नादिर हमारे साथ आए। मुझे लगा कि पहले हम लोग बात कर लें तो अच्छा है। जी जी कहिए, सुन रहे हैं हम लोग, क्या कहना चाह रही हैं आप? बात सीधी सी है, मैं चाहती हूं कि आप अपनी बेटी नमल का हाथ मेरे बेटे सुफियान के हाथ में दे दें। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे पता था, पूरी उम्मीद थी कि आप लोग इसी तरह से हैरान होंगे, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। हुरैन की हरकत के बाद लोग हमारे घरानों के बारे में क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, आप लोग जानते हैं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग। लोग तो यहां तक भी कह रहे हैं कि मैंने वरदा को अब तक घर में क्यों रखा हुआ है। परेशान हो गई हूं मैं लोगों की बातों के जवाब दे देकर। ये तो आप लोग जानते हैं और या हम जानते हैं कि इसमें वरदा का कोई कसूर नहीं है और ना ही आप लोगों का। बहन, अगर हुरैन की इस हरकत से आपको जवाबदेह होना पड़ रहा है तो क्या नमल के साथ ऐसा नहीं होगा? लोग तो फिर भी बातें बनाएंगे ना। भाई साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं लोगों की बातों से घबराकर नमल बेटी का हाथ मांगने आई हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोगों की बातों का इतना ही डर होता ना मुझे, तो माफ कीजिएगा, नादिर की शादी का कब का सोच चुकी होती मैं। क्या वक्त लगता मुझे? ये तो खुदा की खौफी है जो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। हाँ हाँ बहन, वाकई ये तो आपकी नेकी है, हम एहसान मंद हैं आपके। और भाई साहब, सीधी बात ये भी है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटों में फूट पड़ जाए।